हेलो गाइस, तो आज हम आए हुए हैं लव्स एंड टू कस्टम्स कार के लिए, और यहाँ अपनी जो कार थी उड़ी उसे मॉडिफाई कराने आए हैं। तो हमने उसको गाड़ी तो दे दी है और हम उसकी गाड़ी लेके जा रहे हैं। सुपर कार है जो इसकी, पहले इसको लेके घर जाएंगे और वहाँ जाके इंतज़ार करेंगे कल मॉर्निंग तक का, क्योंकि कल मॉर्निंग तक ही हमें दे पाएगा ये कस्टम करके। मैंने कहा है कि इस मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनाना है उस कार को, कि देखते ही लोगों को एक बार मुड़ के देखने का मन करे। वैसे पहले हमारे पास थी तो ज़्यादा अच्छा कलर नहीं था, गोल्ड था, वो सस्ता गोल्ड था। सस्ता गोल्ड आपने देखा ही होगा कैसा था। हमारी पिछली पिछली वीडियो में गाड़ी बहुत ही थोड़ी अजीब सी लग रही थी, गोल्ड ना लग के बहुत ही भद्दी लग रही थी। तो हमने सोचा कि इस नकली गोल्ड से अच्छा है कि हम कोई बढ़िया सी पेंट कराएं और बढ़िया कस्टम कराएं अपनी कार को। तो मैं देख के आ रहा हूँ, फिलहाल मैं उसकी इस कार को बता रहा हूँ। ये कार वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वैसे दिखने में बहुत अच्छी है। एक इसका पेंट भी कुछ यूनिक सा ही लग रहा है, वरना सभी के पास रेड पिंक ग्रीन ऐसी होती है लगभग कार, बट ये मुझे अच्छी लगी। बस वैसे तो हम बस पहुँच ही गए हैं, थोड़ी देर में अपने घर पर फिर इंतजार करेंगे उसका, कब तक वो फ्री करके दे देगा हमको कार को। देखने की बात तो ये कि आज रात कैसे कटेगी उसके इंतज़ार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस कार के लिए। अभी माइकल अपनी फैमिली को भी बताएगा उसके बारे में कैसी है। मैं इसको गैराज में खड़ी कर देता हूँ पहले, तो इसको जल्द से जल्द कर देता हूँ, फिर चलेंगे अंदर। शायद घर वाले यहीं पे होंगे, अमांडा वगैरह यहीं पे हैं, तो चलो उन्हीं से मिलते हैं सबसे पहले। तो वहाँ पे हैं मेरे हिसाब से धोल बने हैं, हाँ यहीं पे हैं अमांडा वगैरह, उसकी जिमी भी यहीं पे है, मेड भी यहीं पे है, और ये वाइफ माइकल की वाइफ भी यहीं पे। अब माइकल इनको बताया, लेकिन ये बहुत ही लिस्ट इंटरेस्टेड हैं उस कार में मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई सुपर कार नहीं है जो आप उसे मॉडिफिकेशन करके उसके पैसे उत्पाद कर लो। लेकिन बट इसमें माइकल की इच्छा है तो वो करा रहा है, इनसे तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं घर वालों से माइकल को। और माइकल टीवी देखेगा, टीवी नहीं, अब वैसे एक तो घर वालों को भी ये काम अच्छा नहीं लग रहा है, ना ही वो इंतज़ार हो रहा है। तो चलो कुछ सिगार वगैरह पी लेता है माइकल, ये टेंशन का इसका यही हद है। ये वीड्स ज़्यादा लेता है आजकल, हर बात पे वीड्स भुगता रहता है, बाकी इसे और कोई तो काम है नहीं। और एक बात और, ये माइकल वीड्स को लेता है और दो चार पफ मार के और बुझा देता है, ऐसे हो जाता पैसे बर्बाद हो गए माइकल के। पर माइकल की सोच यही है कि ऐसे जीना है, मौज में रहना, कोई दिक्कत ना रहे, बस अब बुझा ही देगा इसे माइकल, क्योंकि माइकल कितना ही पीना होता है, बस इस पर हैवी हो जाती है जल्दी वीड्स, और इसको तो काफ़ी दिक्कत करती है। चलो माइकल को ऐसे तो इंतज़ार तो कब तक करेगा, इसको सोना ही पड़ेगा अब तो, जब ही निकलेगी माइकल की नाइट जल्द से जल्द, वरना टेंशन में बीमार हो जाता है माइकल। सबसे मोटी प्रॉब्लम तो ये है कि ये किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो और ये उसके लिए इंतज़ार करता रहे तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो जल्द से जल्द माइकल अब सोने के लिए जाएगा, तबीयत ख़राब हो उससे पहले पहले। चलो पहुंच गया बेड पे, यहीं सोएगा, कल सुबह मॉर्निंग उठ के देखेंगे। जल्द से जल्द पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा वहां पे, पहले तो सो ही लेता हूँ। फ्यू आवर्स लेटर, भाई माइकल की नींद भी खुल गई, मुझे लगता नहीं है कि टाइम हो गया है अभी, मुझे लगता है कुछ जल्दी उठ गया, पर कोई नहीं, वहां जाके इंतजार कर लेगा। पहले मैड से कह देता है कुछ खाने पीने का तो दे दे, पर मैड ने कर दिया मना कि अभी कुछ नहीं बना है, थोड़ी अर्ली मॉर्निंग है अभी, अभी 9 बजे के आसपास ही ब्रेकफास्ट तैयार होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो चलो उसकी सुपर कार को उठाते हैं और जाते हैं लॉस सैंटोस कस्टम में। अपनी कार लगभग तैयार होगी मेरे हिसाब से, बाकी जितनी जल्दी कर रहा हूँ हो सकता है ना भी हो, अभी अर्ली मॉर्निंग है, थोड़ी इंतज़ार करके चलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, पर कोई चलना तो है ही, चल लेते हैं। चलो भाई अर्ली मॉर्निंग है भाई, अभी तो सुबह के 4 ही बजे, अभी टाइम देखा है,
चलो भीड़ भी नहीं होगी रोड पे, काफी ठीक ठाक होगा, जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। एक तो ये माइकल की नींद नहीं खुल रही है, दिल भी उससे कुछ ऐसा ही रहा है, कुछ ठीक ठीक सा दिख नहीं रहा है, पर कोई नहीं, चलो ले चलेंगे अब तो, कैसे भी पहुंचा देगा माइकल, इतनी तो उसको आती है ड्राइविंग, काफी ठीक ठाक है। बाकी दिक्कत ये है कि सुपर कार है, बहुत ही फास्ट चल रही है, कंट्रोल नहीं होगी तो ठुक जाएगी। वो बोलेगा कि यार मैं तेरी कार ठीक कर रहा था, माइकल तू मेरी कार भी फोड़ ला है यहाँ से। चलो कोई नहीं, बस पहुंच ही गए लॉस सैंटोस, अभी तो आ गए होंगे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे, पर मेरे हिसाब से नाइट शिफ्ट भी लगा रखी है क्योंकि काम ज़्यादा होता है इसके पास। मेरे हिसाब से ये लॉस सैंटोस की सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे कार मॉडिफिकेशन अच्छे तरीके से की जाती है। चलो यार मुंह धो लेता हूँ, नहीं नहीं छोड़ो, मुंह क्या धोऊंगा, वहीं अंदर ही धोऊंगा, बाहर तो यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। नींद तो आ रही है बट कोई दिक्कत नहीं है, पहले कार ही ले लेता हूँ, मेरे से रुका नहीं जाता। फ्यू आवर्स लेटर, चलो हो गई अपनी कार भी तैयार और दिन भी हो गए। देखो भाई साहब कितनी गजब लग रही है ये कार, एक तो इसका मैंने बहुत ही ये कराया कि गोल्ड में तो उसका डॉलर का निशान रखा है, और ग्रीन इसकी लाइट ग्रीन है, ये कौन सा ग्रीन है, इसका रिम रखी है ऊपर, रूफटॉप डिक्की और बोनट दोनों ही ग्रीन कलर के रखे हैं। बाकी में ये उसकी चॉइस है, ये जो रेंज है वो उसने कहा था कि मैं अपने आप कॉम्बिनेशन बिठा दूंगा, मुझे तो काफ़ी ठीक लग रही है। बाकी आप लोग देख लो आपको कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करना। रहा इसमें नीचे लाइट पिंक कलर करा रखा है जो कि और भी शानदार लगता है नाइट में, और नो आपको बात करने करने के चक्कर में गाड़ी हल्की सी लग गई, पर मुझे लगता है कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आई होगी, बाकी तो सब ठीक है। मैं देख के बताता हूँ एक बार, इसको आपका 360 व्यू और दिखा देता हूँ, काफ़ी शानदार लग रही है मुझे तो। बाकी आप अपना रिव्यू ज़रूर देना कि आपको कैसी लग रही है कार, मुझे तो बहुत ही शानदार लग रही है, आप ज़रूर बताना। बाकी हम घर पहुँच ही गए हैं, फैमिली तो मेरी लिस्ट इंटरेस्टेड थी माइकल की, इसमें देखते हैं, उन्हें तो मुझे लगता भी नहीं पसंद आएगी। बाकी इसकी देखो ड्रिफ्ट में जो स्मोक आती है वो रेड कलर की करा रखी है जो और भी शानदार लगती है, नीचे लाइट पिंक। बाकी जाने से पहले आप लोग लाइक करना, फॉलो करना, ज़रूर करना पेज को, और शेयर भी करना सभी के साथ।